subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित। और बीजगणित के अंतर्गत भी एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर रीसेंट इयर्स की बात की जाए तो। और सबसे पहले हम वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि 2016, 2017, 2018 के पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अगर मैं उस टॉपिक का नाम देना चाहूं तो दैट विल बी वैल्यू प्रोटीन। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग। ऐसा नहीं है कि जिस ऑर्डर में मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा आपको फर्दर, वो एक डिफरेंट ऑर्डर होगा कि पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग उसमें और फिर बाद में वैल्यू पुटिंग करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वैल्यू पुटिंग और ये समझेंगे पहले कि किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू पुट क्यों कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बात जानने के लिए सबसे पहले एक बात समझेंगे। आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि हमारे पास अलजेब्रा में दो तरीके के वेरिएबल्स हुआ करते हैं। वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए इसे छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए मैं आपके पास एक इक्वेशन लिखता हूं x plus y is equals to 3। मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, एक इक्वेशन लिखी हुई है x plus y equals to 3। अब मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पे x का या फिर y का मान क्या होगा, x और y का मान पूछने का मतलब यह है कि हम x और y की ऐसी कौन सी वैल्यूज यहां पर रख सकते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि x का कुछ मान रखें और y का कुछ मान रखें और दोनों का योग हमें कितना मिलना चाहिए, 3। अब आपने कहा कि हम x की वैल्यू रख देते हैं 0। सपोज आपने कहा कि हम x की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 0। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 3। बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, ये आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 3। या फिर अगर आप x की वैल्यू 1 रख दोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2। अगर आपने x की वैल्यू -1 रख दी तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। तो आप ये चीज देख रहे हैं कि y की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है कि x का मान कितना होगा। y की वैल्यू इस बात पर निर्भर कर रही है कि x कितना है। जब x का मान 0 था तो y 3 था, जब x का मान 1 है तो y 2 है, जब x का मान -1 है तो y की वैल्यू है 4। तो अगर इस इक्वेशन में बात की जाए पर्टिकुलरली तो आप कहेंगे कि y जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास 6 में आप ऐसे एक मैजिक बॉक्स बनाया करते थे कि कोई इक्वेशन दे दी गई है आपको, फिर आप एक मैजिक बॉक्स बनाते थे, उसमें यहां लिखा जाता था x और यहां लिखा जाता था y, फिर आप x की कुछ वैल्यू अपने मन से रखते थे और उसके करेस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यूज मिला करती थी इस तरीके से। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप देखें तो हमारे पास यहां पे एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल है। यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है। अगर आप देखें तो x का मान हम अपने से रख रहे हैं और y की वैल्यू हमें मिल रही है, तो इस इक्वेशन में x या y दोनों में से किसी का भी मान पूरी तरीके से डेफिनेट नहीं है। अगर आप बात करें कि इसमें कितने सॉल्यूशंस होते हैं तो इस तरीके के आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक इक्वेशन है x plus y is equals to 3 और x minus y is equals to 1। इस बार मैंने आपको दो इक्वेशन दे दी,
x plus y equals to 3 और x minus y equals to 1। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि इन दोनों इक्वेशंस से x और y के मान निकालिए, तो आप इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? आप कहेंगे हम सिंपली इन्हें जोड़ देंगे। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो y यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 2x equals to 4। और अगर 2x की वैल्यू 4 है तो यहां पे x का मान कितना मिल जाएगा आपको? और अगर x की वैल्यू 2 आ गई है तो x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप y का मान निकाल सकते हैं। तो सपोज मैंने x की वैल्यू उठा करके पहली इक्वेशन में रख दी, तो अब आप कहोगे कि 2 plus y is equals to 3, तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल गई। तो अब अगर हम बात करें तो हमारे पास दो इक्वेशंस थी, और जब इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो आपको x का मान मिला 2 और y के मान मिला 1। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि x बराबर 2 और y बराबर 1 के अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती है जो कि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। x बराबर 2 और y बराबर 1 के अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रही हो। तो यहां से आपने देखा कि जब हमारे पास दो इक्वेशन थी और दो वेरिएबल थे, जब हमारे पास दो इक्वेशन थी और दो वेरिएबल थे तो दोनों ही वेरिएबल की हमें फिक्स वैल्यूज मिल रही हैं, यानी कि x 2 ही होगा और y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकती है। लेकिन जब हम किसी इक्वेशन की बात करते हैं जहां पर हमारे पास एक ही इक्वेशन थी और दो वेरिएबल थे, तो इसमें अगर आप देखें तो y की वैल्यू तो फिक्स है लेकिन x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप। अगर x को 0 रखा आपने तो y की वैल्यू 3 है, अगर x को आप 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 3 के अलावा कुछ और मिल सकती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल का मान क्या हुआ? फिक्स हुआ। जब हमारे पास एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल का मान फिक्स हुआ, जब हमारे पास दो इक्वेशन थी तो दो वेरिएबल का मान फिक्स हुआ। इसी तरीके से अगर आपके पास तीन इक्वेशन होती तो तीनों वेरिएबल का मान क्या हो जाता? फिक्स हो जाता। तो यहां से आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं उतने वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है? फिक्स। सो व्हाट अबाउट द अदर वेरिएबल्स? तो हमने यह समझा यहां से कि जितनी इक्वेशन होंगी उतने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो जाएगी और बाकी बचे हुए जो वेरिएबल्स होंगे दैट विल बी फ्री। वो वेरिएबल क्या रहेंगे? फ्री रहेंगे। और अगर वो वेरिएबल्स फ्री हैं तो उनकी वैल्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। अगर ये वैल्यूज फ्री हैं तो आप इन्हें अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो सपोज मैं आपके पास दो इक्वेशन लिख रहा हूं, एक इक्वेशन हमारी x plus 2y plus z is equals to 9, एक इक्वेशन लिखी हुई है x minus y plus 3z is equals to 7। रैंडमली हमने कोई भी दो इक्वेशन लिख दी, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है तो आप बोलेंगे 2, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3। नंबर ऑफ इक्वेशन आपके पास 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास है 3। अभी मैंने आपसे बताया था कि जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं उतने वेरिएबल क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं, और उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो क्या रहते हैं? फ्री। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो यहां पर दो इक्वेशन है, इसका मतलब है दो वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स हो जाएगी और बाकी का बचा हुआ एक वेरिएबल जो होगा वो कैसा होगा? फ्री। ठीक है, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल फिक्स हो गए और बाकी के बचे हुए वेरिएबल क्या हो गए? फ्री। अब दो फिक्स कौन से होंगे वो आप पे डिपेंड करता है, इसके लिए कोई भी डेफिनेट रूल नहीं है कि नहीं यही दोनों फिक्स होने चाहिए। तो इन दो इक्वेशंस की अगर बात करें तो तीन वेरिएबल है और इनमें से दो वेरिएबल फ्री है और एक वेरिएबल कैसा है? दो वेरिएबल फिक्स है और एक वेरिएबल आपका कैसा है? फ्री। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ चुकी है। अगर मैं यहां पे लिख देता कोई चार इक्वेशन लिख देता, सपोज मैं यहां पे चार इक्वेशन लिख देता और दो ही वेरिएबल होते, सपोज मैंने लिख दिया x प्लस y इक्वल्स टू 3, सपोज मैं लिख देता यहां पे चार वेरिएबल x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल्स टू 7 और x प्लस 2y माइनस z माइनस 3w इज इक्वल्स टू 6। यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास दो इक्वेशन है और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 4। अगर दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी फिक्स और बाकी के बचे हुए दो वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? फ्री।
और वो दो वेरिएबल फ्री कौन से होंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किन्हीं भी दो वेरिएबल को फ्री मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप लोगों ने ये बात सीखी कि जब हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी होती हैं, तो जितनी नंबर ऑफ इक्वेशन होती है उतने वेरिएबल की फिक्स वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे सभी क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। ठीक, तो वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें इनिशियली कोई कंडीशन दी हुई होगी आपको। जैसे अगर आप यहां देखें तो यहां पे लिखा हुआ इफ, ये कंडीशन दी हुई है इफ पी माइनस टू क्यूब इज इक्वल टू फोर, कि अगर पी माइनस टू क्यूब बराबर चार हो देन फाइंड पी क्यूब माइनस एट क्यू क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर पी क्यूब माइनस सिक्सटी फोर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा क्या ये कंडीशनल क्वेश्चन है, यानी इसमें क्या कोई कंडीशन दी हुई है क्या। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई। फिर आपको देखना है कि कितनी कंडीशंस दी हुई है, यानी कि कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस दी हुई है, और नंबर ऑफ इक्वेशंस के बाद आपको देखना है कि इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने। फिर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के बाद आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने वेरिएबल्स फिक्स है और कितने वेरिएबल फ्री। देयर आफ्टर यू विल बी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अ फ्यू वेरिएबल्स, जितने का भी जस्टिफाई करेंगे। सपोज यहां पर दिया हुआ एक इक्वेशन और वेरिएबल कितने हैं, दो। एक इक्वेशन दे रखी और दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो एक इक्वेशन दिए होने पे एक वेरिएबल फिक्स हो जाएगा और अगला वेरिएबल कैसा रहेगा, फ्री। एक इक्वेशन दिए होने पे एक वेरिएबल फिक्स हुआ और अगला वेरिएबल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो अब हम यहां पे समझ चुके हैं कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से रख सकते हैं। अब जब वैल्यू रखने जाएंगे तो कौन सी वैल्यू रखते हैं भाई, हम कुछ भी रख सकते हैं, 100, 200, 500, 1000, -1, 0। तो सबसे आसान जो वैल्यूज होंगी उन्हीं से स्टार्ट किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं आपसे तो जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं उनमें से 90-95% क्वेश्चंस आपके सिर्फ इस डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व हो जाएंगे। ये क्या पैटर्न है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है पुट एनी वैल्यू इक्वल्स टू जीरो, एनी वन वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले आप कंडीशन को देख करके जस्टिफाई कर लेंगे कि कितने वेरिएबल की वैल्यू हम रख सकते हैं। अब जब आप वैल्यू रखने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी एक वैल्यू को जीरो रख देंगे। अगर एक वैल्यू को जीरो रखने पे आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर आप किन्हीं दो वैल्यूज को जीरो रख देंगे। अगर दो वैल्यूज को जीरो रख सकते हैं तो ठीक है। अब अगर दो वैल्यू को जीरो रखने पे आंसर नहीं मिल रहा है, या ऐसा हो कि आप किन्हीं दो वैल्यू को जीरो रख ही नहीं सकते हैं, फिर एक वैल्यू को जीरो रख सकते हैं, तो आप किसी एक वैल्यू को जीरो रखिएगा और अगली वैल्यू को वन रख दीजिएगा। अब सपोज कोई ऐसी कंडीशन दी हुई है जिसमें आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, तो उस केस में आप क्या करिएगा कि जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू आप रख सकते हैं उनकी वैल्यू आप रख दीजिएगा वन। और अगर ये सारी के सारी कंडीशंस फेल हो जाती हैं तो आपके पास एक लास्ट कंडीशन मैंने दे रखी है कि पुट ऑल द वेरिएबल्स इक्वल्स टू ईच अदर, तो जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू आप रख सकते हैं उन सभी वेरिएबल्स को एक दूसरे के बराबर रख दीजिए। इतनी बात ठीक है। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं अपना, दैट इज इफ पी माइनस टू क्यू इज इक्वल टू फोर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले आपने देखा यहां पे इफ लिखा हुआ था, यानी कि वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। आपने देखा यहां पर एक ही इक्वेशन दी हुई है और वेरिएबल्स हैं दो, तो एक इक्वेशन दिए होने पे एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो गई और अगला वेरिएबल फ्री है, उसकी वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि लेट अस पुट क्यू इक्वल्स टू जीरो। पहले मैंने यहां पर बताया आपको कि पुट एनी वन वैल्यू इक्वल टू जीरो। अब यहां पे आप सिर्फ एक ही की वैल्यू रख सकते थे, आपने उसको कितना रख दिया, जीरो रख दिया। जैसे ही आप क्यू की वैल्यू जीरो रख देते हो आपको इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, पी बराबर चार। क्यू की वैल्यू जीरो रखने पर आपको पी की वैल्यू कितनी मिल गई, चार मिल गई। अब जो वैल्यू आपको निकालनी है, जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है उसमें पी बराबर चार और क्यू की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, जीरो। चलिए देखते हैं। अब आप इसमें p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो आपको लिखना होगा 4 का क्यूब माइनस 8 गुणा 0,
माइनस 24 इंटू 4 इंटू 0 और माइनस 64। आप अगर देखें तो ये वैल्यूज खत्म हो गई, 4 का क्यूब होता है 64 और 64 माइनस 64 विल बी इक्वल्स टू 0। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें आंसर कितना मिल गया, 1। ठीक है, आपके दिमाग में आ सकता है कि पी को ही क्यू को ही जीरो क्यों रखेंगे, पी को जीरो रख देते हैं। ठीक है भाई, आप पी को जीरो रख दीजिए, इफ वी पुट पी इक्वल्स टू जीरो। अब अगर आप पी की वैल्यू जीरो रखते हो तो आपको मिलेगा माइनस टू क्यू इज इक्वल्स टू 4, और अगर माइनस टू क्यू की वैल्यू 4 है तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अब जिस भी एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी थी आप उसमें पी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और क्यू की वैल्यू माइनस 2 रख देंगे, और जैसे ही आपने देखिएगा पी क्यू माइनस 8 क्यू क्यू माइनस 24 पी क्यू माइनस 64। आपने क्या कहा, पी की वैल्यू में 0 रखनी है, जैसे ही आप पी को 0 लिखेंगे ये टर्म खत्म हो जाएगा। यहां पर अगर आप पी को 0 रखते हैं तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगा। आपने देखा आपको लिखा हुआ मिल रहा है माइनस 8 क्यू क्यूब माइनस 64। अब क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस 2। आपने लिखा माइनस 8 इंटू माइनस 2 का होल क्यूब और माइनस 64। माइनस 2 का होल क्यूब यानी कि माइनस 8, और माइनस 8 इंटू माइनस 8 कितना मिल गया, प्लस का 64। यहां से आपको मिलेगा 64 माइनस 64 और अगेन योर आंसर विल बी 0। ठीक है, इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अगर आप देखें तो यहां पे लिखा हुआ है a प्लस b प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले आपने देखा यहां if लिखा हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। अब हमने देखा इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन 1 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 2। अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स हो गई और अगले वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, फ्री, उसको आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अपने मन से आप a या b किसी को भी सबसे पहले क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। आपने क्या किया, b की वैल्यू 0 रख दी। अगर आप b की वैल्यू 0 रख देते हो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। लेट b इक्वल्स टू 0। अगर आप b को 0 रखते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1। अब अगर a की वैल्यू माइनस 1 आ चुकी है, आप यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 1 का होल क्यूब। b की वैल्यू 0 हो चुकी थी तो हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है, प्लस का 1। और b की वैल्यू 0 हो चुकी थी तो 3a into 0, ये टर्म भी क्या हो जाएगा आपका, 0। अब यहां आप देखें तो माइनस 1 का होल क्यूब यानी कि माइनस 1 और प्लस 1, आंसर कितना हो जाएगा, 0। देखिए बात ये समझिएगा आप कि जरूरी नहीं कि आप 0 लिखे तभी आंसर मिलेगा, आप अगर कोई और वैल्यू भी यहां पे पुट कर देते हैं तब भी आंसर मिलेगा। सपोज आपने कहा कि मैं बी को 1 रखना चाहता हूं, बी को कितना रखना चाहते हैं आप, 1, तो पुट बी इक्वल टू 1। अगर आप बी की वैल्यू 1 पुट कर देते हो, बी की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। b को 1 पुट करने पे a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। अब हम इस एक्सप्रेशन में b की जगह पे 1 और a की जगह पे माइनस 2 पुट करेंगे। अब b की जगह 1 पुट करेंगे और a की जगह माइनस 2 तो हमें मिलेगा माइनस 8। b की जगह 1 रखेंगे तो प्लस का 1, प्लस 1 पहले से लिखा हुआ था तो प्लस 1, माइनस 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है, माइनस 2, और b की वैल्यू कितनी है, 1। तो अगर आप देखें तो माइनस 8 प्लस 2 यानी कि माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस का 6 और आंसर अभी भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहां पर समझा कि हम वैल्यू कुछ भी रख सकते थे, लेकिन हमारा फोकस किस पे होगा कि जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें हम क्या करें, कुछ टर्म्स को रिमूव कर दें। और अगर टर्म्स को रिमूव करना है तो सबसे अच्छा तरीका होगा यहाँ पे वैल्यू को क्या रखना, 0 रखना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 रखने से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फर्दर अगर 0 रखने से काम नहीं चलता है तो इस टेबल के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए देखिए आपके पास कुछ और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहां पर। यह क्वेश्चन जो है 2017 मेंस में पूछा हुआ है, इसे अगर आप देखें तो लिखा है इफ एक्स प्लस वाई बराबर 2z। तो जैसे ही आपने इफ देखा आपके दिमाग में बात आ गई कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब आपने देखा नंबर ऑफ इक्वेशन अगर बात की जाए तो एक इक्वेशन, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 वेरिएबल, इक्वेशन एक है और वेरिएबल कितने हैं, 3। तो एक इक्वेशन होने पर एक वेरिएबल फिक्स हो गया, बाकी के 2 वेरिएबल्स है फ्री, उनकी वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बताया था कि पहले हम क्या करेंगे कि किसी एक वैल्यू को 0 रखेंगे।
अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि वैल्यू जीरो रखेंगे तो कौन सी वैल्यू को जीरो रखेंगे? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जीरो रखने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है कि जो हमारा बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है वो रिड्यूस होकर के थोड़ा छोटा हो जाए। और अगर एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके छोटा करना है तो आप किसी ऐसी वैल्यू को जीरो रखेंगे जो आपको ज्यादा जगहों पर नजर आ रही हो। आप किसी ऐसी वैल्यू को जीरो रख देंगे जो ज्यादा जगह पर आपको नजर आ रही हो। अब अगर आप यहां पर देखो तो एक्स प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है 2z। बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हैं हम। चलिए हम ऐसा करते हैं, सपोज मैंने आपसे कहा लेट अस एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू 4। हमने अपनी तरफ से क्या किया, एक्स का मान 2 रख दिया और वाई का मान 4 रख दिया। अगर आप एक्स का मान 2 रखते हो और वाई का मान 4 रखते हो तो यहां पे मिलेगा एक्स प्लस वाई बराबर, ये हो गया 6 और बराबर में लिखा हुआ 2z, तो z की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। एक बात ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा कि मैं x और y का मान पुट कर रहा हूं क्योंकि इक्वेशन एक थी और वेरिएबल थे 3, किन्हीं दो की वैल्यू हम रख सकते थे, तो हमने इन दोनों की वैल्यू रखी है और तीसरे की वैल्यू आई है। ये वैल्यू हमने रखी नहीं है। हम जब x का मान 2 और y का मान 4 रखेंगे तो हमें इस इक्वेशन से z की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब इन तीनों वैल्यूज को उठा करके हम इस एक्सप्रेशन में रख देंगे। इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखने से क्या होगा, एक्स की जगह पर आपने लिखा 2 तो 2 बटा 2 माइनस z की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो आपने लिखा 2 माइनस 3 प्लस y की वैल्यू अगर देखी जाए तो y लिखा हुआ है 4 बटा y माइनस z यानी कि 4 माइनस 3। तो देखिए 2 बटा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 और 2 अपॉन माइनस 1 यानी कि हो गया माइनस 2। ये लिखा 4 अपॉन 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1 और यहां पे कितना बचेगा 4। तो आपने देखा माइनस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें यहां पे तो अननेसेसरी कैलकुलेशन हमें करना पड़ा जिसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन को देखा जाए तो यहां लिखा है x plus y बराबर 2z। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जीरो रख दीजिए। हालांकि हम यहां पे किन्हीं दो वेरिएबल्स की वैल्यू रख सकते हैं लेकिन पहले किसी एक वेरिएबल को जीरो रख के देखिए, हो सकता है आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए, ठीक है। तो जीरो रखा किसको जाए, तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई z की वैल्यू जीरो रख दीजिए। जैसे ही आप z की वैल्यू रखेंगे जीरो, ध्यान से देखिएगा इधर z का मान जीरो रखते ही क्या होगा, ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। आपको आंसर दिखने लगा x से x कटा, y से y कटा और 1 प्लस 1 आंसर कितना आ गया 2। तो ये जो जबरदस्ती की यहां पे आपको कैलकुलेशन करनी थी वो इसमें कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ी। ये बात समझ में आ गई। हमने यहां पे क्या किया, z की वैल्यू 0 पुट करी और जैसे ही आपने z की वैल्यू 0 पुट करी आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन अगर आप देखिए तो लिखा होगा इफ x + y = 2z, तो x + y = अगर 2z है देन फाइंड x / x - z + z / y - z। मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल देखें, तो सेम बात है पिछली वाली ही। इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, किन्हीं दो वेरिएबल की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं लेकिन किन्हीं दो का मान रखने से पहले हम किसी एक वैल्यू को जीरो रख देंगे और हम जीरो उस वैल्यू को रखेंगे जो ज्यादा जगहों पर नजर आ रही हो। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो इस एक्सप्रेशन में जेड ज्यादा जगहों पर नजर आ रहा है, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप एक काम करिए पुट जेड इक्वल्स टू 0। पहले हम जेड का मान 0 रख रहे हैं। अगर जेड का मान 0 रखने पर हमें आंसर नहीं मिलता है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि एक और वेरिएबल की वैल्यू हम अपने मन से रख सकते हैं। फिलहाल आप अगर z की वैल्यू 0 रखते हो तो z का मान 0 रखने पर x upon x minus z, तो z 0 हो गया, आपको यहां पे कितना मिला x by x और यहां लिखा है z upon y minus z, ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो x upon x कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना हो गया, ठीक है। x का मान 0 रखने से क्या मिलेगा आपको, z का मान 0 रखने से क्या मिला x upon x plus 0 यानी कि आंसर कितना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if a plus b plus c equals to 0, कंडीशन हमारे पास एक है, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, वेरिएबल है 3, इक्वेशन एक है वेरिएबल 3 है, यानी कि एक वेरिएबल फिक्स हो गया बाकी के दो फ्री हैं, उनकी वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि सबसे पहले हम किसी एक वैल्यू को जीरो रखेंगे। सपोज आपने सी को जीरो रख दिया, बी को जीरो रख दिया, ए को जीरो रख दिया, जिसको जीरो रखने का मन हो आप रख दीजिए। तो हम कहते हैं पुट सी इक्वल्स टू 0,
आपने सी की वैल्यू जीरो रख दी, सी का मान जीरो रखने में देखिए क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे। सी को जैसे ही आपने जीरो रखा, ध्यान से देखिएगा, सी को जीरो रखते ही ये पूरा का पूरा टर्म खत्म हो गया, क्योंकि जीरो अपॉन जीरो प्लस ए बी, तो जीरो में किसी भी संख्या से डिविजन करेंगे आपको जीरो ही मिलेगा। अब यहां लिखा है ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस बी सी, अगर आप सी की वैल्यू जीरो लिख चुके हो तो ये क्या हो जाएगा जीरो, यार टू बी स्क्वायर प्लस सी ए, ये भी कितना हो गया जीरो, ठीक। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर। यहां पे देख के ही आपको आंसर समझ में आ रहा था कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, एक बटा दो प्लस एक बटा दो और बराबर में कितना आ गया। तो देखा आपने, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, लेकिन जो तरीका अभी मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं तो चुटकियों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास कुछ और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इफ 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, इफ लिखा हुआ था, आपने अंदाजा लगा लिया कि वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन हो सकता है, फिर आपने देखा इक्वेशन, तो यहां पर एक ही इक्वेशन दी हुई है, और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात की जाए तो चार वेरिएबल हैं, यानी कि किन्हीं तीन की वैल्यू आप अपने से रख सकते हैं। लेकिन मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि आप पहले क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को जीरो रखेंगे, और किस वेरिएबल को जीरो रखेंगे, हम उस वेरिएबल को जीरो रखेंगे जो ज्यादा जगहों पर नजर आ रही हो, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, जो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हो वो रिड्यूस होकर के छोटा सा रह जाए। तो यहां अगर आप देखें तो एस दिख रहा है आपको अधिकतर जगहों पर, तो हमने क्या किया, Let us put s is equals to zero. और जैसे ही आप s की वैल्यू जीरो लिखते हो देखिए क्या क्या होगा, s को जीरो रखने पे ये खत्म हो गया। यहां पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है s माइनस ए का होल स्क्वायर, अब चूंकि ये जीरो हो चुका है इसको हटा दिया, ये भी हटा दिया हमने और ये भी हटा दिया। अब देखो यहां माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको फाइनली मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड योर आंसर विल बी, ये बात ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो इसी सेम कंडीशन पर आपके सामने दो क्वेश्चन है, देखा अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करिए। आपने कहा नंबर ऑफ इक्वेशन एक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स तीन है, किन्हीं दो की वैल्यू हम रख सकते हैं, लेकिन पहले किसी एक की वैल्यू जीरो रख करके देख लेंगे, हो सकता है हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाए। तो किसे जीरो रख दिया जाए, जो आपका मन हो, फिर से मैं सी को ही जीरो रख देता हूं, और जैसे हम सी की वैल्यू जीरो लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, सी को जीरो रखते ही आज ये जो एक्सप्रेशन था ये रिड्यूस होकर के बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। और यहां लिखा था a प्लस बी बराबर जीरो, अब b का मान आप अपने मन से कुछ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन यार ध्यान से देखो b की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर देखें तो a प्लस बी बराबर जीरो लिखा हुआ है, और अगर a प्लस बी बराबर जीरो लिखा है इसका मतलब है कि a की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस बी, a की वैल्यू कितनी हो चुकी है, माइनस बी। और अब इस इक्वेशन में अगर आप a की जगह पे माइनस बी रखते हो तो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन माइनस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस बी का स्क्वायर करते हो तो आपको बी स्क्वायर मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर लिखा है, तो टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको आंसर कितना मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम कंडीशन, आपने सी की वैल्यू जीरो पुट करी, अब अगर आप इसमें सी को जीरो पुट करते हैं तो देखिए ये टर्म खत्म हो जाएगा, C को जीरो रखने पर अगर देखो तो बी सी प्लस सी ए, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। फाइनली एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब आपको पता है कि a की जगह पर माइनस बी रख सकते हैं, देखिए आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आपने कहा नहीं हम b को 2 रखना चाहते हैं, तो भाई अगर b को 2 लिखोगे तो a की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, कुछ ऐसा फायदा थोड़ी हो जा रहा है। तो हमने क्या किया, a की जगह पर माइनस बी पुट कर दिया, a की जगह पे जैसे ही आप माइनस बी पुट करोगे तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस ये पहले से बी स्क्वायर लिखा था अपॉन a इंटू बी, तो a की जगह पे अगर आप माइनस बी लिखते हो तो माइनस बी इंटू बी विल बी माइनस बी का स्क्वायर। तो यहां अगर आप देखें तो आपको मिलेगा टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड योर आंसर विल बी,
बात सही। चलिए देखते हैं, ये 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, अगर आप देखें तो लिखा हुआ इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, अगर x plus y plus z का मान 0 है तो इक्वेशन आपके पास दी हुई है एक और वेरिएबल दिए हुए हैं तीन, किन्हीं दो का मान रख सकते हैं लेकिन पहले किसी एक को हम रख देंगे 0। अब 0 किसको रखना है, चलिए हमने z की वैल्यू कितनी रख दी 0। जैसे ही आप z का मान 0 रखते हो देखो क्या चेंजेस आएंगे इसमें, z को 0 रखते ही यहां पे z स्क्वायर लिखा हुआ था ये खत्म हो गया, और ये माइनस का zx लिखा हुआ था ये भी खत्म हो गया। तो z को 0 रखने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब क्या करेंगे, मैं x की जगह माइनस वाई पुट कर देंगे, तो भाई ये लिखा था 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हुआ 3y स्क्वायर प्लस x की जगह माइनस वाई लिखोगे और माइनस वाई का स्क्वायर लिखोगे तो ये प्लस का y स्क्वायर ही मिलेगा, और नीचे लिखा हुआ था 2y स्क्वायर, तो ये हो गया 4y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। आप इसे काटोगे आंसर कितना हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये जिन लोगों को आता है उनको लग रहा होगा कि यार ये क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं आता होगा उन्हें लग रहा होगा यार बड़ी अच्छी सी चीज है, बहुत अच्छी चीज बता दे रहे हैं सर। तो ठीक है, जिन लोगों को ज्यादा आता है, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो लोग भी तैयार रहे, धीरे धीरे आएंगे हम लोग लाइन पे। अब जरूरी है जब कोई भी चीज स्टार्ट की जाती है तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, तो ऐसा तो नहीं है कि हम एकदम हाई लेवल पे पढ़ाना शुरू कर दें जैसे बाकी के बहुत बड़े बड़े टीचर्स जिनको आप लोगों ने आसमान में पहुंचा रखा है, तो उनकी तरह नहीं कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको पहले दिन पढ़ाने लगे और हम आपको दिखा दें कि देखो देखो इतने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं और ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी कराता रहूंगा। जबरदस्ती डराने वाला काम नहीं है, ये जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, और 2016, 17, 18 इन्हीं 3 साल के क्वेश्चंस मैंने उठा करके रखे हैं। ठीक है, फिर फर्दर जिस लेवल तक आप जाना चाहोगे उस लेवल तक जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता है लेवल के बारे में कि कहां तक हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किसी से कंपेयर नहीं करना है मुझे, अगर आप सोच रहे हो किसी और टीचर से कंपेयर करके हम बात करेंगे हम उनसे ऊपर जाएंगे उनसे ऊपर जाएंगे, नहीं, हम एग्जाम के लेवल तक जाएंगे, इस लेवल पे जाएंगे जहां पर आप अपने एग्जाम में मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सके। दैट्स इट, मैंने कल ही बताया था आपको कि कंपेरिजन मेरा खुद ही से है, किसी और से मुझे कंपेरिजन नहीं करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, then find a square plus b square plus c square upon a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square, तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, आप देखिए इक्वेशन एक है, वेरिएबल तीन है, हमने c की वैल्यू रख दी 0, और जैसे ही आप c का मान 0 लिखेंगे a की वैल्यू यहां पे कितनी मिलेगी माइनस भी लिखेंगे, c को 0 रखने पे देखिए चेंजेस क्या क्या होंगे, ये खत्म हो गया, यहां आप अगर देखें तो c लिखा हुआ ये खत्म हो गया, यहां पे c लिखा हुआ ये सी लिखा हुआ था ये भी खत्म हो गया। ठीक है, आपको ऊपर मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डायरेक्ट देखिए जरा सा, आपने ए को कितना रख देना है माइनस बी, अगर आप ए की जगह पे माइनस बी रखते हो तो स्क्वायर करने पे वो बी स्क्वायर ही मिलेगा, तो आपको ऊपर मिला बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहां लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ए की जगह पे आप माइनस बी रखते हैं तो माइनस बी और माइनस बी, माइनस का 2b और माइनस 2b का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको कितना मिलेगा 4b स्क्वायर, और यहां पहले से b स्क्वायर लिखा था तो ये b स्क्वायर हो गया, और a की जगह पे आप माइनस b लिखोगे, यहां पे ध्यान दीजिए a की जगह पे अगर आप माइनस b लिखते हैं तो ये माइनस पहले से लिखा हुआ है प्लस b हो जाएगा, और यहां पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो फिर से आपको कितना मिल गया b का स्क्वायर, तो यहां 2b स्क्वायर और नीचे है 6b स्क्वायर, आपने लिखा 2b स्क्वायर अपॉन 6b स्क्वायर, और फाइनली आपको आंसर कितना मिलेगा 1/5। तो ये कुछ आए हुए क्वेश्चंस थे, इनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि सारे के सारे क्वेश्चन 2017 मेंस के आए हुए हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1, यहां अगर आप देखो तो आपके पास दो इक्वेशन है और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3, ए बी और सी। अब दो इक्वेशन होने पे दो वेरिएबल का मान फिक्स हो गया, तो फ्री सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक, अब इसमें से कोई एक वेरिएबल फ्री है उसका मान आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने कहा कि चलो भाई सी की वैल्यू हम रख देते हैं 0। तो लेट्स सी इक्वल्स टू 0, तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा, जैसे ही आप सी का मान 0 लिखते हो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 6,
और ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से। और देखिए जो आपसे पूछा गया था उसमें क्या चेंजेस आएंगे, सी की वैल्यू जीरो लिख दिया आपने, ये खत्म हो जाएगा, ये टर्म पूरा खत्म। यहां पे सी की वैल्यू जीरो लिख दोगे, ये टर्म भी पूरा खत्म। यहां पे सी की वैल्यू जीरो लिख दोगे, ये टर्म भी पूरा खत्म हो गया। आपके पास क्या बच रहा है, प्लस का ए बी इंटू ए प्लस बी। आप अगर देखो तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6 और ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है 1, तो फाइनली यहां से आपको आंसर कितना मिल जाएगा 6। नेक्स्ट देखा जाएगा, इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, आप देखो इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है, ठीक, किसी एक की वैल्यू आप अपने मन से रख सकते हैं। हमने क्या कहा कि पहले किसी एक वैल्यू को क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो ठीक है क्यू को जीरो रख देते हैं। तो क्यू की वैल्यू जीरो रखने पे क्या होगा, पुट क्यू इक्वल्स टू जीरो। जैसे ही आप क्यू की वैल्यू जीरो रखते हो देखिए आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्यू का मान जीरो रखने पे क्या बचेगा, ये 1 हो जाएगा पूरा का पूरा, 1 माइनस पी स्क्वायर और इज इक्वल्स टू लिखा हुआ रूट 3 बाय 2। ठीक है, हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे ही आप दोनों तरफ का स्क्वायर, अच्छा क्यू की वैल्यू जीरो रखने पे जो गिवन कंडीशन थी वो तो ये बन गई, और जो पूछा गया उसमें देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। क्यू को जीरो रखोगे ये टर्म खत्म, क्यू को जीरो लिखोगे आप अगर तो पी इंटू क्यू ये टर्म भी खत्म हो गया। यहां अगर देखा जाए तो ये खत्म और टू पी क्यू ये भी खत्म हो गया, पी स्क्वायर से बाहर पी आ जाएगा और अंडर रूट 2 बचेगा, यहां भी पी स्क्वायर से पी बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, तो रूट 2 पी प्लस रूट 2 पी इक्वल्स टू कितना बचा 2 अंडर रूट 2 पी। तो जो इतना बड़ा सा क्वेश्चन था वो रिड्यूस होकर क्या हो गया कि अगर अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर की वैल्यू रूट 3 बाई 2 है तो 2 रूट 2 पी की वैल्यू बता दीजिए, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अच्छा पी की वैल्यू यहां से कैसे आएगी, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स विल गिव यू 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3/4। अब देखिए इतनी बेसिक कैलकुलेशन आपको आती होगी, ठीक है, इसे नहीं कहते बेसिक। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बेसिक हमारा क्लियर नहीं, बेसिक क्लियर नहीं। यार बेसिक का मतलब क्या होता है, 2, 4, 6, 8 जोड़ना घटाना आता है बस इतना बहुत, यही होता है बेसिक, और क्या होता है बेसिक। ठीक, ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, आप समझ पा रहे होंगे कि हमने दोनों तरफ का स्क्वायर किया है तो 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4। अब इसे सॉल्व करना है तो पी स्क्वायर को हम उस तरफ ले जाएंगे तो पी स्क्वायर बराबर हो गया, और 3/4 को इधर लाएंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 3/4, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब पी स्क्वायर की वैल्यू अगर 1/4 आ रही है तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। देखिए कायदे से अगर कहा जाए तो पी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2, लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको ऑप्शंस जो दिख रहे हैं वो सारे पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, यानी कि हमें इसमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, और अगर p की वैल्यू 1/2 है तो आपको जो एक्सप्रेशन जो आपका रिड्यूस होकर के आया था वो था 2√2p, तो 2√2 × 1/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया आपका √2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने देखा इफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon 2 प्लस x1 प्लस 1 upon 2 प्लस x2 प्लस 1 upon 2 प्लस x3। आप देखेंगे तो इक्वेशन एक है, वेरिएबल 3 है, किन्हीं दो वेरिएबल की वैल्यू हम रख सकते हैं लेकिन पहले किसी एक वेरिएबल को क्या रखेंगे 0। लेट अस अज्यूम x3 इक्वल टू 0। अगर आप x3 की वैल्यू 0 रख देते हो तो देखो क्या होगा, x3 का मान आपने अभी 0 रख दिया, ये सब खत्म हो गया। x3 का मान 0 रखने पे ये सारी की सारी वैल्यूज खत्म हो गई। यहां अगर आप देखें तो x3 0 हो चुका है और यहां x3 को अगर आप 0 लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा 0। अब आपके पास क्या बचा है, 4 टाइम्स 4 प्लस x1 प्लस x2। ठीक, आपने x3 को 0 रख दिया था, अब ये देखिए जो 4 है ये भी यहां पे आके 0 हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x1 प्लस x2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और x3 को 0 रखा है तो यहां पे ये कितना बचेगा 1/2। तो मैंने आपसे कहा था कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने करे आपने देखा कि किसी एक वैल्यू को 0 रखते ही आंसर
मिल जा रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक वैल्यू को जीरो रखने पे आपको आंसर नहीं मिला है। लेकिन अगर आप देखें तो इक्वेशन एक थी और वेरिएबल तीन थे, x1, x2 और x3। आप किन्हीं दो की वैल्यू रख सकते थे। तो जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर एक वैल्यू को जीरो रखने पर आंसर नहीं मिलता है तो आप किन्हीं दो वैल्यूज को जीरो रख दीजिए। ठीक, अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैं x2 की वैल्यू भी कितनी रख देता हूं, जीरो। x2 का मान भी अगर आप जीरो रखते हैं तो आपको मिलेगा x1 = -4। x1 कितना हो गया, -4। और अगर x1 की वैल्यू -4 हो गई और x2 का आपने कितना रख दिया, जीरो रख दिया है, x2 को अगर आप जीरो रख देते हैं तो ये भी खत्म हो गया। x1 की वैल्यू -4 आ गई है तो x1 की जगह पे हम कितना रख देंगे, -4। अब अगर आप देखो तो ये आ गया 1/2 -4, यानी कि -1/2 और +1/2 +1/2, ये पहले से लिखा हुआ था। तो माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल आउट हो गया, कितना बच रहा है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी 2017 मेंस में पूछा हुआ था। इक्वेशन अगर आप नंबर ऑफ इक्वेशन काउंट करोगे तो यहां पे आपको इक्वेशंस मिल रही है 1, 2, 3, 4। लिखा हुआ है x³+y³+z³=3×1+x+y+z, p=y+z-x, q=z+x-y, and r=x+y-z। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है 4 और नंबर ऑफ वेरिएबल है 6। ठीक है, तो 4 इक्वेशन दिए होने पे 4 वेरिएबल की वैल्यू हो गई फिक्स। और यहां पे टोटल वेरिएबल 6 थे, इसका मतलब है कि 2 वेरिएबल कैसे है, फ्री। तो 2 वेरिएबल की वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। और अपने मन से कुछ भी रखने का क्या मतलब हुआ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, जीरो रख के। ठीक है, तो मैं यहां पर किन्हीं दो वैल्यू को रख सकता हूं, तो मैं दोनों को जीरो रख दे रहा हूं। तो पुट y = z = 0, मैं यहां पे y और z दोनों को कितना रख दे रहा हूं, जीरो। जैसे आप y और z दोनों को जीरो रखते हैं तो यहां देखिए y z जीरो हो गया, आपको कितना मिला, x³। यहां अगर आप देखेंगे y और z जीरो हो चुका है तो x+y+z जीरो हो गया, 1+0 ओवरऑल वैल्यू हुई 1, 1 × 3, ये कितना हो गया, यहां पे कितना मिल गया, x³=3। ठीक है, यहां y और z को अगर आप जीरो लिखते हो तो y और z जीरो हो गया, कितना बचा, -x। यहां y और z को जीरो अगर रखते हो तो z खत्म हो गया, y जीरो हो गया तो ये भी खत्म। यहां y और z को अगर आप जीरो लिखेंगे तो ये पूरी वैल्यू खत्म हो गई। आपको मिल रहा है p = -x, q = +x और r = x। ठीक है, वैल्यूज उठा करके हम यहां पुट करेंगे। देखिए p की वैल्यू कितनी आई है, -x, तो -x³ यानी -x³। q की वैल्यू कितनी आई थी, +x, तो ये हो गया +x³। r की वैल्यू कितनी आई है, +x, तो ये हो गया x³। ठीक है, -3 × p कितना था, -x × x × x। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो -x³ से +x³ कैंसिल आउट हो गया, यहां लिखा है x³ और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया +x × x × x, यानी कि 3x³। तो बराबर में कितना आ गया, 4x³। और आपने x³ की वैल्यू कितनी निकाली थी, 3। और अगर x³ का मान 3 आया है तो 4x³ में आपने लिखा 4 × 3 और आंसर आपको कितना आ गया, ठीक है, यहां पे आंसर कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, एक बहुत ही बेसिक सा लेकिन अच्छा सा कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज ऑफ वैल्यू पुटिंग। और वैल्यू पुटिंग में मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको देखना होगा नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि कितनी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। जितनी नंबर ऑफ इक्वेशन होंगी उतने वेरिएबल्स फिक्स हो जाएंगे, उसके अलावा जो भी वेरिएबल्स होंगे वो सभी फ्री होंगे और उनकी वैल्यू आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसे करके कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स फिलहाल हम डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करिए, लॉकडाउन के मजे भी लीजिए और पढ़ाई भी करते रहिए साथ साथ। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली उन बच्चों को जो 2019 वाले एग्जाम के मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और आगे मैं आपके सामने बहुत सारे वीडियोस ले आऊंगा जो आपके मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं पढ़ाया जाए आपको कि प्री की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, मेंस की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, भाई मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी बस। अब प्री मेंस वो सब एग्जाम वालों को डिसाइड करने, तो वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए भाई, नहीं तो ना नौकरी मिलेगी और ना ही नौकरी मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।